नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर आप हिमाचल की हिल्स क्वीन शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बिना जानकारी के ना आएं। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर न्यू ईयर ईव पर टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं तो होटल की बुकिंग और पार्किंग की व्यवस्था किए बिना ना आएं, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहां पार्किंग और होटल नहीं मिलेंगे। शिमला शहर में नगर निगम की महज 12 पार्किंग है। इनमें 2931 गाड़ियों को ही पार्क किया जा सकता है। इनके फुल होने के साथ ही वाहनों को पार्किंग नहीं मिलेगी। गाड़ियों को टूटी कंडी बाईपास पर रोक दिया जाएगा, जिससे शिमला घूमने आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नए साल को मनाने के लिए शिमला में इस बार 20,000 वाहनों के आने की संभावना है। क्रिसमस पर लगभग 18,000 गाड़ियां शिमला पहुंची थी। ऐसे में पार्किंग की बेहद किल्लत हुई। इससे सबर लेकर पुलिस ने अब इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नए साल का स्वागत बर्फबारी से हो सकता है। अगर 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी होती है तो किसी भी गाड़ी को शहर में नहीं आने दिया जाएगा। होटल बुक होने के बावजूद भी गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। शिमला पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी आपत स्थिति में मदद चाहिए तो 100 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। HRTC की बसों से संबंधित जानकारी के लिए 01772656326 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।